जाना था भाई रोड, तो रास्ते में एक गांव पड़ा। ये देखो ये पहला कैमरामैन जो पीछे से खींच रहा, बाकी सारे सामने से खींच रहे, और सब बहुत अच्छा कैमरामैन है। हमने बचपन से सुने हैं जो वो कैमरामैन सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन होता है, और सबसे बड़ा कैमरामैन होता है जिसको बचपन से दूसरे के घरों में झांकने की आदत हो। आपको मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा ले ले बेटा। हाँ सबका हाँ, ताली बजाता हुआ ले ले बेटा, ये ताली बजाता हुआ ये अखबार में छापना। अब इस मोहल्ले की ले ले बच्चा, ये ताली ताली बजा दीजिए आप सब। वाह, ये टुन्नू भैया जरूर आना चाहिए, बाकी कोई आए ना आए। हाँ प्रेम जी आ गए, हाँ प्रेम जी का हंसता हुआ चेहरा आना चाहिए। प्रणाम करते हैं प्रेम जी, सात बार आपने भी रिकॉर्ड बनाया है, कितना आवाम प्यार करती है आपको। हमको तो ऐसे लीडर मिलते ही नहीं सर, हम तो ढूंढते ही रहे। मेरा एक दोस्त बोला भाईजान मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कमल का फूल दिया। मैंने कहा कमल का ही मिला, बोल तालाब में उगे हुए थे, फ्री का था, उठा के दे दिया। मैंने कहा रिजल्ट क्या हुआ, बदले में बोले उसने चमाट मार दी। मैंने कहा ठीक की, तूने अपनी पार्टी का चुनाव छीन दिया, उसने अपनी पार्टी का दे दिया। बेटा वो तो खैर माना बहुजन समाज पार्टी की नहीं थी, नहीं तो हाथ इसको चलता। हम राजनीति की बात नहीं करते, मगर आज आती कहीं से भी। टुन्नू भैया पिछले दिनों हमने वृक्षारोपण किए, हमने अपनी सोसाइटी में 15 अगस्त को वृक्ष लगाया। कोई लीडर हमको मिले नहीं, तो वार्ड मेंबर थे एक नेता जी, उनको ही बुला लिया, आ जाओ भैया। उनने पेड़ लगाए सुबह 8 बजे, 12 बजे उसे बकरी खा गई, शाम को नेताजी बकरी खा गए, फिर हमारा वृक्षारोपण हो गया। बजा दो ताली, समझ में आ गई। नहीं बहुत अच्छा लगा, मगर प्रेम जी साथ बना 35 साल से सियासत में है, राजनीति में है, मैं प्रणाम करता हूँ। मैं मोहन जी बचपन में बच्चों को पढ़ाता क्या था, उनका भविष्य खराब करता था। हाँ जाता ही नहीं था, रोज कार्यक्रम में भाग जाता था, लेकिन जिस दिन मैं स्कूल पढ़ाने जाता था तो उस दिन बच्चे ही नहीं आते, तो हम लोगों का तालमेल बहुत अच्छा था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब कभी मिल जाते थे तो बहुत मजा लेते। ये 90 चैनल देखने वाली पीढ़ी आ गई, मोबाइल वाली। पहले ही दिन स्कूल गया, पहली कक्षा पढ़ाना था, ब्लैक बोर्ड पे 2 लाइन लिखा, ऊपर लिखा सत्य और नीचे लिखा भ्रम। मैंने कहा कोई बच्चा खड़े हो और सत्य भ्रम में अंतर बताओ। पहले ही दिन निपटाया, एक बच्चे ने खड़ा हुआ बोले सर आप पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सत्य है, हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। मैं ही भागा, मैं ही ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। सर डरते डरते दूसरी क्लास में घुसा, मैंने फिर 2 शब्द लिखा ब्लैक बोर्ड पे, ऊपर लिखा दुर्घटना और नीचे लिखा दुर्भाग्य। मैं कोई बच्चा खड़े हो दुर्घटना और दुर्भाग्य में अंतर बताओ। एक बच्चा फिर खड़ा हुआ बोले सर आप पढ़ा रहे हैं इतने में छत गिर जाए तो ये दुर्घटना। मैंने कहा शाबाश, और दुर्भाग्य बोले आप फिर भी जिंदा बच जाओ तो हमारा दुर्भाग्य। मैं वहीं से ही भागा, मैंने कहा इनको भी नहीं पढ़ा सकता। मैं तीसरी कक्षा में गया, मैंने कहा गणित पढ़ाऊंगा आज। एक बच्चे खड़ा किया, मैंने कहा देख बेटा क्या नाम, बोल रमेश। मैंने कहा रमेश अगर तुझे मैं 10,000 तेरे पिताजी को 10,000 उधार दे दूं तो 5% की दर से ला दे बेटा।